नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फोकस अप टू इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। हमने एग्जाम के लिए जितने भी तथ्य या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है और सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल फोकस अप टू इन्फिनिटी को लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन राजवंश डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के बारे में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य के दक्षिण में दो शक्तियों का उदय हुआ था, ऐसा हमें ज्ञात होता है। इसमें ऊपरी दक्कन में सातवाहन दीर्घकालीन शासन शक्ति के रूप में उभरे। इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। सातवाहन शासकों ने लगभग तीन सदियों तक निरंतर शासन किया और भारतीय इतिहास में इतना दीर्घकालीन शासन और किसी राजवंश का मालूम नहीं पड़ता है। दूसरे वंश के रूप में हमें पता लगा है कलिंग के चेदी। इनका शासन बहुत अल्पकालीन था, ये अल्पकालीन शक्ति थी जिसने कम समय में शासन किया था, कलिंग के चेदी। पहले हम बात करेंगे सातवाहनों के विषय में। सातवाहन सम्राटों ने न केवल विदेशियों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की रक्षा की बल्कि उन्होंने साहित्य, कला, व्यापार, वाणिज्य इन सभी को प्रोत्साहन भी दिया। भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी इन्होंने मार्ग प्रशस्त किए। सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत समस्त दक्षिणापथ सम्मिलित था और उत्तर भारत में संभवतः मगध तक उसका विस्तार था। सातवाहनों के शासन का विस्तार मगध तक था। आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। उन स्रोतों में है साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। पहले हम बात करेंगे साहित्य की। साहित्यिक स्रोत में पुराण आते हैं और सातवाहन वंश के विषय में जानने के लिए हमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण से सहायता मिलती है। पुराणों में इस वंश को, सातवाहन वंश को आंध्र वृत्ति और आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने लगभग चार शताब्दियों तक शासन किया था। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की, जिसमें हमारे अभिलेख, सिक्के और स्मारक आते हैं। इन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम अभिलेखों की बात करेंगे जिससे हमें सातवाहन वंश के विषय में पता चलता है। पहला है हमारा नागनिका का नानाघाट अभिलेख। यह महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। दूसरा है हमारा गौतमीपुत्र सातिकर्ण के नासिक से प्राप्त दो गुहालेख। तीसरा है गौतमी बंसरी का नासिक गुहालेख। चौथा है वाशिष्ठि पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख। पांचवा है हमारा वाशिष्ठि पुत्र पुलमावी का कारले गुहालेख। और छठा अभिलेख हमें यज्ञसी सातकर्णी का नासिक गुहालेख के रूप में प्राप्त होता है। नागनिका के नासिक लेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। लेखों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से सातवाहन राजाओं के बहुसंख्यक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अध्ययन से हमें सातवाहन के राज्य विस्तार, धर्म, व्यापार, वाणिज्य में प्रगति इत्यादि महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के एक सिक्के पर जलपोत के चिन्ह बने हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि समुद्र के ऊपर भी यज्ञश्री सातकर्णी का अधिकार रहा होगा। सातवाहन सिक्के सीसा, तांबा, पोटीन, तांबा, जिंक, सीसा, टीन मिश्रित धातु होती है।
इनमें ढलवाए गए थे और इन पर मुख्यतः ब्रिज, वृष, गज, सिंह, अश्व, पर्वत, जहाज, चक्र, स्वास्तिक, कमल, त्रिरत्न, उज्जैन के चिन्ह, क्रास से जुड़े चार वाल आदि का अंकन हमें इनके सिक्कों पर मिलता है। यूरोपीय देशों में मालवाहक जहाज भूमध्य सागर, नील सागर, फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होकर बराबर भारत पहुंचते थे। पश्चिमी तट पर भड़ोच इस काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था और यूनानी लेखक इसे बेरी गाजा कहते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी विवरण की, जिसमें प्लिनी, टाल्मी तथा पेरिप्लस के लेखक के विवरण हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं सातवाहनों के विषय में। प्राचीन काल में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश जिसे कहा जाता था यह स्थित था और ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को अनार्य कहा गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ब्राह्मण राजवंश का साम्राज्य का उदय हुआ। ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख वंश थे सुंग, कण्व, सातवाहन। इसी प्रकार की परिस्थितियों में मगध में सुंग तथा कण्व राजवंशों ने सत्ता संभाली थी और यही कार्य दक्षिण पथ में सातवाहनों ने भी किया। सातवाहन शासक दक्षिणाधिपति, त्रिसमुद्राधिपति तथा त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन के नाम से भी विख्यात थे। सातवाहन शासक सिमुक या जिसे सिंधुक के नाम से जाना जाता है, इसने कण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों का इतिहास सिमुक से प्रारंभ होता है। वायु पुराण में आंध्र जातीय सिंधुक या सिमुक कण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सुंगों की बची हुई शक्ति समाप्त कर देगा, ऐसा वायु पुराण में कहा गया था। इसकी तिथि हमें प्राप्त होती है 60 से 37 ईसा पूर्व की। सातवाहन शासक ने सिमुक ने 60 से 37 ईसा पूर्व में कण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नानाघाट के लेख में सिमुक को राजा सिमुक सातवाहन कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि सिमुक ने 23 वर्षों तक शासन किया होगा। सिमुक ने अनेक जैन एवं बौद्ध मंदिरों और चैत्यों का निर्माण करवाया था। अगला हमारा सातवाहन वंश का शासक है कृष्ण। यह सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण या कान जिसे कहा जाता है राजा बना। कृष्ण ने नासिक तक सातवाहन शक्ति का विस्तार किया। नासिक शिलालेख में इसका नाम हमें मिलता है, कृष्ण इसका नाम हमें नासिक शिलालेख में मिलता है। अगला हमारा सातवाहन शासक था श्री सातकर्णी। यह सिमुक का पुत्र था, इसे सातकर्णी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल था 27 से 17 ईसा पूर्व। सातकर्णी प्रथम के नाम का उल्लेख अभिलेखों और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमें मिलता है। सातकर्णी प्रथम ने आमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से विवाह किया था। उसकी रानी नैनिका के अभिलेख में सातकर्णी के कार्यों पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा, अनूपपुर प्रदेश नर्मदा घाटी के अंतर्गत जो आता है और विदर्भ बरार के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है इस पर आधिपत्य कर लिया था और सातकर्णी प्रथम का साम्राज्य ऊपरी दक्कन, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ भाग, उत्तरी कोंकण और काठियावाड़ भी इसके साम्राज्य में शामिल थे और इसने कलिंग के शासक खारवेल के साथ युद्ध भी किया था, ऐसा भी विवरण हमें प्राप्त होता है। कलिंग शासक खारवेल से युद्ध के पश्चात सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति और
अप्रतिहस्त चक्र कहा गया। सातकर्णी प्रथम ने दो यज्ञ कराए थे, दो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी कराया था। सातकर्णी प्रथम के समय सातवाहनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात इसका शासन शक्ति, सातवाहनों की शासन शक्ति कमजोर होती चली गई। इस वंश के अन्य राजाओं में सातकर्णी द्वितीय, लंबोदर, अपिलक, कुंतल सातकर्णी आदि के नाम का उल्लेख हमें मिलता है। सातवाहनों का 17वां राजा हाल नाम का था। इसने 20 से 24 ईस्वी में शासन किया था। यह बहुत विद्वान और प्रख्यात कवि था तथा विद्वानों और कवियों का आश्रय दाता भी था। हाल ने गाथा सप्तसती नामक प्राकृत भाषा के श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी और इसके दरबार में रहने वाले गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की तथा इसके दरबार में रहने वाले सर्व वर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के उदय के पूर्व तक लगभग एक शताब्दी का काल सातवाहनों के ह्रास का काल था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन काल था 106 से 130 ईसा पूर्व। यह अपने वंश का 23वां राजा था। यह पहला राजा था जिसके नाम के साथ उसकी माता का के नाम का उल्लेख किया गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सातकर्णी को चहरात वंश का विनाशक तथा सातवाहनों की प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक कहा गया है। यह इस वंश का सबसे महान राजा माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को सैनिक अभियानों में विजयों के परिणाम स्वरूप सातवाहन दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। इसने अपने राज्य का विस्तार किया। इसके साम्राज्य के अंतर्गत असिक गोदावरी और कृष्णा का मध्यवर्ती क्षेत्र, असक गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, मूलक पेंढड़ का समीपवर्ती इलाका, सूरत, दक्षिणी काठियावाड़, कुकर या कुकुर, उत्तरी काठियावाड़, पारयात्र, पश्चिमी विंध्य के नजदीक अपरांत, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा के निकट माहिष्मती का इलाका, विदर्भ, बरार और आकर अवंती, पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा के प्रदेश इत्यादि इसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त विंध्य से मलय पर्वत त्रावणकोर तक समस्त पर्वतों तथा पूर्वी महेंद्र से पश्चिमी सह घाटों का भी यह साम्राज्य था, यह वहां का शासक था और इसने पश्चिम के शासक तथा प्रतिष्ठान के मालिक की भी उपाधियां धारण कर ली थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसके पुत्र वशिष्ठि पुत्र पुलमावी ने शासन किया। पुराणों में इन्हें पुलोमा तथा टालमी इतिहासकार ने इन्हें सिरोपोली मेओस कहा है। वशिष्ठि पुत्र पुलमावी का शासन काल था 130 से 154 ईसा पूर्व। पुलमावी ने अपने विशाल साम्राज्य का शासन अत्यंत कुशलता से संभाला और अपने शासन का विस्तार भी किया। पुराणों के अनुसार पुलमावी ने 28 से 29 वर्षों तक लगभग शासन किया होगा। वशिष्ठि पुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 29वें वर्ष में उत्कीर्ण नासिक गुहालेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा विजित प्रदेशों के नामों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें है पहला ऋषिक, कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश, मूलक पेठन का समवर्ती भाग, सुराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़,
कुकुर पश्चिमी राजपूताना, अपरांत उत्तरी कोंकण, अनूप नर्मदा घाटी, विदर्भ बरार, आकर पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा। इसमें अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकर, आकर तथा अवंती के प्रदेशों को उसने निश्चित रूप से नहपान से जीता था। इसी प्रकार उत्तर में मालवा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमी पुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का शासन अपने पिता की भांति उच्च कोटि का था। यह विशाल साम्राज्य का शासन अत्यंत योग्यता और कुशलता से संचालित करता था। गौतमी पुत्र का शासन दक्षिणापथ में वैदिक ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। नासिक प्रशस्ति में इसे वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के उत्तराधिकारी शिव श्री पुलोमा तथा शिव स्कंद सातकर्णी महत्वहीन शासक थे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने दो शासकों चष्टन तथा रुद्रदामन के समकालीन होने के कारण इन दोनों से संघर्ष करना पड़ा था तथा कुछ प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा था। इस समय तक शकों ने कुकुर, सुराष्ट्र, मरु, स्वप्र, अवंती तथा आकर के प्रांत पुनः सातवाहनों से छीन लिए थे। दक्षिण की ओर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। पुलमावी अकेला सातवाहन राजा था जिसका उल्लेख अमरावती से के लेख में प्राप्त होता है। कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश से उसके बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में यज्ञ श्री सातकर्णी ने सत्ता संभाली। यह सातवाहनों का अंतिम महान शासक था। यज्ञ श्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहनों की शक्ति का क्रमशः ह्रास होता गया। यज्ञ श्री सातकर्णी का समय था 174 से 203 ईसा पूर्व। नासिक तथा कन्हेरी से यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल के क्रमशः 7वें तथा 16वें वर्ष के लेख मिलते हैं। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में इसके चांदी के बहुसंख्यक सिक्के भी प्राप्त होते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल 17 वर्षों तक शासन किया था। यज्ञश्री सातकर्णी ने 27 वर्षों तक शासन किया था। दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आभीर, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु तथा कुंतल में चुटू सातकर्णी वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात क्रमशः सातवाहनों की शक्ति का ह्रास होता गया। सातवाहन राजाओं का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक तथा बौद्ध धर्मों की उन्नति का काल था। सातकर्णी प्रथम के समय में अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था। इसमें अश्वमेध और राजीव प्रमुख यज्ञ थे। हाल ने गाथा सप्तशती के प्रारंभ में शिव की पूजा की थी और अन्य देवताओं की भी पूजा का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र, कृष्ण, पशुपति और गौरी की पूजा इसमें सम्मिलित है। गौतमी सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय दाता तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत कारले की गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भोर घाट नामक पहाड़ी में कारले की गुफाएं खोदी गईं। कलात्मक दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक भव्य चैत्य गृह और 3 विहार हैं। तथा नासिक की गुफाएं हैं। नासिक गोदावरी नदी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहाँ कुल 17 गुफाएं खोदी गई, जिसमें एक चैत्य गृह तथा से 16 विहार गुफाएं मिली हैं। अमरावती स्तूप है। स्तूपों में अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप है। आंध्र प्रदेश में अमरा राम का प्रसिद्ध शैव तीर्थ ही अमरावती नाम से प्रसिद्ध है। यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पुलमावी के समय में इस स्तूप का जीर्णोद्धार
कराया गया था। नागार्जुनी कोंड स्तूप अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित नागार्जुन पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन पहाड़ी पर तीसरी शताब्दी ईस्वी में स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसे नागार्जुनी कोंड स्तूप कहा गया। यहाँ इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की राजधानी थी, जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। पश्चिमी चैत्य तथा बिहार पर्वतों पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा बिहार बनवाने की जो परंपरा मौर्य काल में प्रारंभ हुई थी, वह सातवाहन काल के आते आते चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थानों पर बनाए गए चैत्य दो प्रकार के हमें चैत्य मिलते हैं। इस प्रकार चैत्य गृह के तीन प्रमुख अंग होते हैं, जैसे मध्यवर्ती कक्ष, इसे नाभि या मध्य वीथी कहा जाता है, दूसरा है मंडप या महामंडप, तीसरा है स्तंभ। कालक्रम की दृष्टि से हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, हीनयानी या महायानी। हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्य गृह भांजा, कोंडाने, पीतल खोरा, अजंता नवी दसवीं गुफा, बेडसा, नासिक तथा कारले। पहला है हमारा भांजा, यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। भांजा की गुफाएं पश्चिमी महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं, जिनका उत्कीर्ण ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ हुआ था। ये भोरघाट में कारले के दक्षिण में स्थित हैं। इसमें 14 चैत्य गृह, इसमें बिहार और 14 स्तूप हैं। अगला है हमारा कोंडाने, यह कुलाबा जिले में है। अगला पीतल खोरा, यह खानदेश में है। सतमाला नामक पहाड़ी में पीतल खोरा गुफाएं खोदी गई। अगला है अजंता, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक पहाड़ी में स्थित है। यह तक्षण तथा चित्रकला दोनों की दृष्टियों से भारतीय कला केंद्रों में अजंता का नाम अत्यंत ऊंचा है। अगला है वेडसा की गुफाएं, वेडसा की गुफाएं, यह कारले के दक्षिण में 10 मील की दूरी पर वेडसा स्थित है। अगला है नासिक की गुफाएं, नासिक की गुफाएं गोदावरी तट पर हैं। इसके पश्चात आता है कनेरी की गुफाएं, यह मुंबई से 16 मील उत्तर बोरीवली स्टेशन से 5 मील की दूरी पर स्थित कनेरी का प्राचीन नाम कृष्णगिरी कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ी में सैकड़ों गुफाएं भिक्षुओं के आवास के लिए बनाई गई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुहा विहारों का भी उल्लेख किया जाता है। सातवाहन काल में आंतरिक तथा व्यापार दोनों ही व्यापार उन्नति पर था। आंतरिक या बाह्य व्यापार दोनों ही व्यापार उन्नति पे था। पेरिप्लस, टॉलेमी के भूगोल तथा सातवाहन के लेख और मुद्राओं से तत्कालीन व्यापारिक प्रगति की सूचना हमें मिलती है। भड़ोच पश्चिमी भारत की सर्वप्रमुख मंडी थी। यहां से उज्जैनी, प्रतिष्ठान, तगर तथा अन्य व्यापारिक केंद्रों को मार्ग जाते थे। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। पुलमावी के समय में पूर्वी दक्कन में जहाजरानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ, जो यज्ञश्री के समय में पूर्ण विकसित हुआ। इसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था। दक्कन से रोम के निवासी अपने लिए रत्न, मलमल तथा विलासिता की सामग्रियां प्राप्त करते थे और इन्हें मुंह मांगा सोना मिल जाता था। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े, मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरे, मानिक मोती आदि थे। आयात की वस्तुओं में रोमन मदिरा, तांबा, रागा, सीसा, दवाएं आदि प्रमुख थी। यह व्यापार भारत के लिए लाभकारी था। इस व्यापार के फलस्वरूप सातवाहन साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य बन गया था। पश्चिमी देशों के साथ सातवाहन काल में श्रीलंका, पूर्वी द्वीप समूहों में जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापार प्रमुख जलमार्ग से होता था। यह सुविकसित विदेशी व्यापार पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी तथा प्रतिष्ठान जैसे प्रसिद्ध नगरों में फलने फूलने वाली आंतरिक वाणिज्यिक गतिविधियों के द्वारा पोषित किया जाता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य में पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में जनसंख्या सघन थी और लोग समृद्धशाली थे। भड़ोच इस काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था।
बहुसंख्यक मात्रा में हमें तांबे कांसे सीसे और प्रोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो विकसित व्यवसाय तथा वाणिज्य की सूचना देते हैं। सामान्य लेन देन इन्हीं के माध्यम से होता था। सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ था। सातवाहनों के बाद अब हम बात करेंगे कलिंग के चेदी राजवंश की। चेदी भारत की एक अत्यंत प्राचीन जाति थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद विद्यमान था, जिसे संभवतः आधुनिक बुंदेलखंड या उसके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। महाभारत में इसी क्षेत्र को सुक्तिमती या शक्तिमती कहा गया है। चेदी वंश की एक शाखा कलिंग की तरफ गई और वहां उसने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन को माना जाता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल है। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर पूर्वी जिला से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से एक अभिलेख मिला है। इसमें खारवेल के विषय में हमें पूर्णतया जानकारी मिलती है। उसके शासनकाल की घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। यह इसके इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है कि खारवेल एक महान विजेता लोकोपकारी शासक और महान निर्माता धर्म सहिष्णु सम्राट था। यह विद्वानों और विद्या का आश्रयदाता था। अभिलेख में इसे राजर्षि कहा गया है। इसके अतिरिक्त लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज तथा महाविजयराज जैसे भी विशेषणों से इसे सुशोभित किया गया है। खारवेल ने कुल 13 वर्षों तक राज्य किया। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उड़ीसा प्रांत के पूर्वी जिले में भुवनेश्वर मंदिर से 3 मील पश्चिम की ओर उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर स्थित, जिसमें प्राचीन जैन गुफाएं खोदी गई थी, इसी में से एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। यह ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ लेख है। जिस समय दक्कन में सातवाहन शक्ति का उदय हो रहा था, उसी समय कलिंग उड़ीसा में चेदी वंश का उदय हुआ था। कलिंग शासक खारवेल ने कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती आदि उपाधियां धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि कलिंग राजा खारवेल जैन धर्मावलंबी था। भुवनेश्वर मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियों में हमें कई जैन गुफाएं भी मिली हैं। अब हम बात करेंगे वाकाटक राजवंश की। वाकाटकों ने 3री से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक राज्य किया। सातवाहनों के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। पुराणों के अनुसार बिंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी बरार थी। वाकाटकों की दो शाखाएं थी, पहली बिंध्य शक्ति की मूल शाखा और दूसरी बेसिम की शाखा। बिंध्य शक्ति ने पूर्वी मालवा में अपनी शक्ति स्थापित की और बाद में बिंध्य के पार सातवाहनों के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पुराणों के अतिरिक्त अजंता के अभिलेख में भी वाकाटक शक्ति का संस्थापक बिंध्य शक्ति को माना गया है और इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। इसने संभवतः 255 से 265 ईस्वी तक शासन किया था, के मध्य शासन किया था। अगला शासक है वाकाटकों का प्रवर सेन प्रथम। यह बिंध्य शक्ति का पुत्र था। इसका शासनकाल था 275 से 335। वाकाटकों में एकमात्र यही शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। प्रवनसेन ने ब्राह्मण
धर्म की महत्ता स्थापित की और चार अश्वमेध यज्ञ कराए। जिस समय वाकाटकों का उदय हो रहा था उसी समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नागवंश का भी उत्थान हो रहा था। प्रवरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह नागवंशी शासक भवनाग से किया था। प्रवरसेन के समय में वाकाटक शक्ति का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वाकाटकों का अगला शासक था रुद्रसेन प्रथम। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 तक वाकाटक राजा बना था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसमें उस सूची में वाकाटकों के नाम का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। रुद्रसेन ने वाकाटकों की शक्ति को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास किया था। अगला शासक था वाकाटकों का पृथ्वीसेन प्रथम। इसका शासनकाल था 360 से 385। इसने बेसिम की शाखा के शासक बिंदसेन और या बिंद शक्ति से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था और इसने कुंतल पर अधिकार करने में इसकी सहायता भी की थी। गुप्तों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद वाकाटकों का अगला शासक था रुद्रसेन द्वितीय। यह एक शक्तिशाली शासक था तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद भी था। इसकी पुत्री का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। इसने रुद्रसेन की से शादी की थी और रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात इसका नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन हुआ जिसकी संरक्षिका बनी प्रभावती गुप्त जिसकी संरक्षिका बनी थी। इसके पश्चात वाकाटकों के शासक हुए थे प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। इसका इसने 410 से 440 तक शासन किया था। इसको आरंभ में दामोदर सेन कहा जाता था। यह दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने सेतु बंध नामक काव्य की रचना की थी। इसके पश्चात प्रवरसेन के पश्चात वाकाटकों की शक्ति का क्रमशः पतन होने लगा। प्रवरसेन द्वितीय अंतिम वाकाटक का शक्तिशाली शासक था। वाकाटक वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। इसका समय था 460 से 480। देसिम वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के अंत तक वाकाटकों की मूल शाखा पर अधिकार कर लिया था। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? आप हमें यह बताने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल फोकस अप टू इंफिनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।